वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, जो हमारे एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील्ड से हैं, जो कि एक हमारी इंडियन आर्मी के सर्विसमैन हैं, मिस्टर विवेक, जो एक बाइक की बहुत शौकीन भी हैं, जिनको अपनी बाइक से बहुत प्यार है, और जिन्होंने अपना हमारा एक वीडियो इस तरह का देखा और हमारे को अप्रोच किया कि मेरी बाइक को डिफरेंट मॉडिफिकेशन कराना है। मैं विवेक जी से पूछना चाहूँगा, विवेक जी एक तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और अपनी बाइक के बारे में, अपने शौक के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं आर्मी से हूँ और इस समय मैं GNK में पोस्ट हूँ। तो मैं एक बार यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही देखते देखते सर्च किया था, मुझे राइडोफाई मिला। वैसे बाइक मॉडिफिकेशन तो बहुत बड़े ऑल ओवर इंडिया, मगर जो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी वो मुझे राइडोफाई में देखने को मिली। फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया फ़ोन से, जब फ़ोन से कॉन्टैक्ट किया तो मुझे जो बातचीत करने का इन लोगों का तरीका था, उससे मुझे एक फेथ पैदा हुआ, एक उम्मीद जगी कि चलो कहीं ना कहीं मैं सही जगह जा रहा हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट किया मयूर जी से, फिर मयूर जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे 100% बिलीव दिया, बोले कि आप आइए और आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा किया जाएगा। फिर मैं आया, मैंने अपनी गाड़ी भेजी यहाँ पर, और गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन कराया, जब आप उस मॉडिफिकेशन को देखेंगे तो वो मेरी उम्मीद और आपकी सोच से कहीं बहुत परे होगा। मॉडिफिकेशन कराना कोई आप कहीं भी कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन जब एक चीज़ देखने में आपके माइंड पर कहीं ना कहीं बीट करती है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली कि लोग सोचेंगे। रेयर कंडीशन ये होती है कि बाइक सभी चलाते हैं, और बाइक का शौक क्या होता है, मैं पंडित विनय मोहन शर्मा जी की एक सूक्ति सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जनाब, अगर ज़िंदगी लंबी जीनी है, हसरतें जिंदा रखिए और उम्मीदें बहुत जिंदा रखिए, लाइफ भी अच्छी कटेगी, और रेडोफाई से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, आपकी उम्मीदें बहुत ऊपर जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, हम फिर आ गए आपके सामने। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मिस्टर विवेक, जैसे मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन दिया था, तो विवेक सर आपने गाड़ी देखी, आपका आपका पहला व्यू मैं जानना चाहूँगा, जैसे ही आप सोच रहे थे क्या ये गाड़ी वैसी बन गई है? सच बताऊँ, बिल्कुल मेरी उम्मीद से। थैंक यू सर, ये आपकी और आप दर्शकों की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है कि आपके सपोर्ट के थ्रू ही हम ये जो है गाड़ी बना पाए हैं, कर पाए हैं। सर, आप क्या एक आपका व्यू क्या है, फीडबैक क्या है, क्या हमारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे इस गाड़ी के रिगार्डिंग? मैं इतना कहना चाहूँगा आपके दर्शकों से, अपने दर्शकों से, अपने देशवासियों से कि सर, मैंने जो सोचा था, मेरे माइंड में एक इमेज बनी थी कि मेरी गाड़ी बन के ऐसी होगी, और शायद वो मेरे माइंड की एक लिमिट थी जहाँ तक सोच पाया, मगर जो आपने काम करके दिया वो मेरी सोच के बहुत ज़्यादा परे गया। मैं उसको अपने शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास वो वर्ड ही नहीं जिनको मैं कह सकता हूँ। बहुत उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम करके दिया आपने, जो पेंट जॉब है, जो गाड़ी की कॉन्ट्रास्ट व्यू है, बहुत ही उम्दा किस्म का लगा। और मुझे इसकी जो भी मैंने इसको ड्राइव करके देखा तो मुझे जो ड्राइव फील आया वो जो मेरी पहली बाइक थी इनिशियल, उससे ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने जो सीट है, जो मैंने सोचा था कि ये ऐसी होगी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपके काम की तारीफ कर सकती। बड़ी बात यह है कि आपने जो काम किया है तो उसकी तारीफ, आपकी जो टीम है, गुड सर, ब्रिलियंट,